नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 9वीं में स्पर्श पुस्तक से आपके गद्यखंड के धूल पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके पूर्व वीडियो में मैंने धूल के भाग एक में धूल की महत्ता के बारे में बताया था। एक सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। कोशिश करने से सफलता जरूर मिलती है, अर्थात यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो हमें कोशिश करते ही रहना चाहिए। कोई भी कार्य को करने के लिए प्रयास करना बहुत ही जरूरी है ना। स्पर्श के गद्यखंड में धूल, धूल की महत्ता को हमने पूर्व वीडियो में बताया था कि किस प्रकार लेखक रामविलास शर्मा जी ने हीरे के प्रेमी को खरादा हुआ साफ सुथरा हीरा चाहिए इस बारे में बताने का प्रयास किया। हमारी सभ्यता धूल के जो संसर्ग है, धूल के संपर्क में आने से बचते हैं, इनके महत्व के इनके बारे में बताएं। और किस प्रकार से अखाड़े में तेल और मट्ठे से सिझाई हुई मिट्टी में लेटना और शरीर पसीने से तरबतर हो जाना, इस बारे में वर्णन करते हुए लेखक ने बताने का प्रयास किया। आइए रामविलास शर्मा जी की जो रचना है धूल, उनके बारे में आगे पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की जो असारता है उन पर बहुत कुछ हम कह सकते हैं। अर्थ असारता का अर्थ यहाँ पर जिनको जाना ना जाए या बताया जाए, ये असारता कहलाता है। तो हमारा जो शरीर है और मिट्टी है उनको लेकर बहुत कुछ कह सकते हैं, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। हमारी जो मिट्टी है उनसे ही हमको अपने जीवन चलाने के लिए जरूरत होती है। कहा भी गया है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिले बन अधम शरीरा। यह पांच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, उसमें मिट्टी महत्वपूर्ण है और एक दिन मनुष्य को भी मिट्टी में ही मिल जाना है। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान समझते हैं वे सब तो मिट्टी में ही उपजते हैं, है ना। जो अनाज खाते हैं वो भी मिट्टी से होते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, हरियाली देखते हैं, वो भी मिट्टी के ही उपज है। रूप, यहाँ की जो सुंदरता है, प्रकृति की सुंदरता है, रस आनंद है, गंध खुशबू स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है? कौन संभव करता है? ये मिट्टी ही संभव करती है ना। ये मिट्टी महीन कणों में होती है तो धूल बन जाती है, और ये हमें प्रकृति की सुंदरता का अनुभव कराते हैं। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेखक कहते हैं कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, शब्द और रस में जितना अंतर है उतना ही शरीर और प्राण में। शरीर है, प्राण है तो शरीर का मतलब है ना। और शब्द में यदि रस ना हो तो शब्द का मतलब नहीं है। चांद और चांदनी में, चांद और तारे में जिस प्रकार का संबंध है उसी प्रकार मिट्टी और धूल में संबंध है। मिट्टी की जो आभा है उसका नाम धूल है, मिट्टी की जो चमक होती है वो धूल कहलाता है, और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। जब तक धूल ना हो तब तक मिट्टी का कोई महत्व नहीं है। लेखक कहते हैं कि ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। ग्रामीण जो परिवेश के लोग होते हैं वो कभी धूल को गर्द नहीं कहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ग्रामीण परिवेश के लोग जानते हैं कि इसी धूल से तो हमारी अनाज की उत्पत्ति होती है। धूल वह है जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया। गोधूली, गोधूली का अर्थात गाय जो शाम के समय गौठान से वापस आती है और उड़ती है धूल, वह गोधूली कहलाता है।
आजकल तो शादियों में भी ये शब्द देखे हैं ना, गोधूली बेला में ऐसे प्रयोग किया जाता है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने की मिट्टी कर देती है, जो आम के पेड़ों के पास जो सूर्य की जो किरणें हैं वह छोटे छोटे छेद के माध्यम से नीचे जब आती है तो वह सोने के जैसे प्रतीत होती है। और सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी निकल जाने के बाद जो रूई के बादल की तरह या एरावत हाथी के पद नक्षत्र पद की भांति जहां तक स्थिर रह जाती है। गाड़ी के बाद जो गाड़ी चलती है तो धूल उड़ते हैं, वह बादल के समान लगते हैं, रूई के बादल के समान लगते हैं। और एरावत हाथी जो समुद्र मंथन हुआ था तो वहां पर निकला था, जिसको इंद्र का वाहन भी कहा जाता है, उनके नक्षत्र पथ की भांति वहां तक स्थिर होती है। रात चांदनी रात में मेले जाने वाली जो गाड़ी के पीछे कवि कल्पना करते हैं, और न जाने उसमें कितने सारे कविताएं कितने सारे लेख लिख लेते हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर ये साकार रूप से सौंदर्य बन के छा जाती है। पंखुड़ियों पर जो धूल लगे रहते हैं वो बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। एक बच्चे के मुख पर जो धूल लगा रहता है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये सब क्या है? इसी का नाम तो धूल है। लेखक कहते हैं यही तो धूल है, यही तो धूल की सुंदरता है, इतना अंतर नहीं है धूल और मिट्टी में, है ना। आगे बढ़ते हुए लेखक कहते हैं कि गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है। गायों के चलने से शाम के समय में उड़ने वाले जो धूल है उनकी अपनी ही एक अलग महत्व है, जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी। ये शहर में ऐसा नहीं होता, वहां तो डामर की सड़कें होती है, भीड़ भाड़ जिंदगी होती है, ये सब तो गांव में देखने को मिलता है। और इस गोधूली पर तो कवि कवि है, वो लोग न जाने कितने सारे मुहावरे कितने सारे कविताएं लिख डाले। गोधूली बेला में उड़ रही सुंदर सी धूल, है ना, गांव का जीवन कितना अच्छा, यहाँ आके तो देखो, जाओगे शहरों की जीवन को भूल। ऐसी बहुत सारी कविताएं उन्होंने इस गोधूली पर लिख लिए। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली बेला में आने का आग्रह किया था। यह वही गोधूली बेला है जो संध्या का समय होता है, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ। शहर के जो शादी के निमंत्रण कार्ड हुए हैं उसमें लिखा था गोधूली बेला, मगर वहां कहाँ गोधूली, है ना, वहां तो सिर्फ सड़कों से उड़ने वाले धूल है, वो भी गाड़ी मोटर के। लेखक ऐसे व्यंग करते हुए लिखने का प्रयास किए हैं। यह कविता की विडंबना थी, कविता की मजबूरी थी, और गांवों में भी जिस धूली को कवियों ने अमर कर दिया वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं थी, वह तो गोपालों के पदों की धूली है। गो मतलब गायें, और गोपाल मतलब जो गाय को चराने वाले हैं उनके पैरों से उड़ने वाले धूल है। और ये धूल की कीमत गांव के लोग और वहां रहने वाले जो जनता है वो जानते हैं, उनके महत्व को समझते हैं और आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से गोधूली के महत्व और धूल के बारे में लेखक ने बहुत ही सुंदर विचार प्रस्तुत किए। बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा ये जो धूल की महत्ता है लेखक ने बताने का प्रयास किया। अब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों को लिखकर इनका उत्तर लिखेंगे। पाठ के आधार पर लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया है, गोधूली बेला में उत्पन्न होने वाले दृश्य को अपने शब्दों में लिखना है, ग्रामीण परिवेश में धूल कौन कौन से चित्र उकेरते हैं, और रेणु संसर्ग कन्या विडंबना असूया इन शब्दों का आपको अर्थ लिखना है। आशा करता हूं कि आपको यह जो धूल पाठ है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगली वीडियो में मैं अगले भाग के साथ पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।